हेलो एवरीवन, आज हम लोग जा रहे हैं मेहदीपुर बालाजी। इस वक्त हमारे घड़ी में 5:10 हुए हैं। अब देखना है कि हम कैसे जाएंगे। हम सड़क मार्ग से जाएंगे और साथ ही अपनी गाड़ी से जा रहे हैं, तो हम रास्ते में आपको अपना हालचाल बताते रहेंगे। सुबह के 6:16 हम CNG पेट्रोल पंप फरीदाबाद पहुँचे हैं। हमारी गाड़ी पेट्रोल और CNG दोनों से चलती है। चूँकि CNG चीपर ऑप्शन है, इसलिए हम लोगों ने फरीदाबाद में CNG लिया है। और अब हम पलवल से गुजर रहे हैं। ये फ्लाईओवर पलवल को क्रॉस करती है। ये है मथुरा हाँ, वो देखेंगे। चलो, अरे क्या सब निकल रहा है सामने। वक्त 10:05, हम भरतपुर बर्ड सेंचुरी पहुंच चुके हैं, लेकिन अब इसका नाम बदलकर केवला देव राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया है। केवला देव राष्ट्रीय उद्यान विश्व की सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक धरोहर के संरक्षणार्थ कन्वेंशन द्वारा विश्व दायित्व सूची में नामांकित किया गया है। कोई भी ऐसा स्मारक या प्राकृतिक स्थल जो मानवता के लाभार्थ संरक्षण के योग्य समझा गया हो, का विश्व दायित्व सूची में नामांकन करके उसे विशिष्ट सार्वभौमिक महत्व की पुष्टि करता है। पार्क में प्रवेश कर चुके हैं। पार्क सुबह से शाम तक खुला रहता है। टैरिफ पर अगर नज़र डालें तो कोई ज़्यादा नहीं है, परंतु जो सबसे अच्छी बात है वह है विद्यार्थियों के लिए सिर्फ 41 रुपये की टिकट, जबकि भारतीय वयस्क के लिए 111 रुपये की टिकट रखी गई है। पार्क भ्रमण के लिए हमने टांगा हायर किया, लेकिन हमें जल्द ही एहसास हुआ कि यह शायद विश्व की सबसे धीमी चलने वाली टांगा है। टांगा चलाने वाला ने हमें बताया कि यहाँ घोड़े दौड़ाने की इजाज़त नहीं है। तो इस पार्क में 350 से ज़्यादा प्रजाति है, लेकिन सबको देख पाना संभव नहीं है। हमने जितने भी देखे उसमें यहाँ स्टार्क हमें सबसे ज़्यादा आकर्षक लगी। स्टार्क की यहाँ एक कॉलोनी है। स्टार्क दो तरह के होते हैं, पहली है घुंगिल और दूसरी है जांगिल। घुंगिल हल्के गुलाबी पैर वाली और भूरी चोच वाली होती है। ऊपरी और निचली चोच के बीच की दरी खाना खिलाते समय से बड़े घोघों आदि को पकड़े रखने में मदद करती है। हिरोनरी में सबसे पहले प्रजनन करने वाली यह पक्षी है, जबकि जांगिल की पीली चोच और कंधे पर गुलाबी धब्बे इसकी विशिष्ट पहचान है। घोंसले वाली कॉलोनियों में अपने शिशुओं को खाना खिलाने और इन्हें धूप एवं गर्मी से बचाते हुए देखे जा सकते हैं। वक्त 1:15, तापमान 34°C। लगभग 2 घंटे तक भ्रमण करने के बाद हम पूरी तरह से थक गए थे, इसलिए हमने इस पार्क भ्रमण को यहीं विराम दिया और मेहदीपुर बालाजी के तरफ प्रस्थान किया। मेहदीपुर बालाजी पहुंच चुके हैं। अभी दिन के 2:50 हुए हैं। यहां बहुत ही सस्ते दरों पर नहाने या फ्रेश होने की व्यवस्था है। हमें सिर्फ 100 रुपया में एक रूम मिल गया, जिसमें कि बाथरूम अटैच था। स्नान आदि करके हम नित्य मंदिर की तरफ बढ़े। वक्त हो चला था 4:20। आइए अब हम आपको दिखाते हैं मंदिर के अंदर का दृश्य। मंदिर के अंदर लाइट थोड़ी कम थी, चक्रव्यूह के सहारे लोग आगे बढ़ रहे थे, लेकिन बीच बीच में कुछ लोग विक्षिप्त अवस्था में दौड़ते हुए बालाजी के पास पहुंचना चाहते थे। ऐसी मान्यता है कि ये लोग बुरी शक्ति प्रेत आत्मा के प्रभाव में होते हैं। साइंस जिसे निगेटिव एनर्जी कहती है,
मैं व्यक्तिगत रूप से इस बात को समझ नहीं पा रहा हूँ, आप स्वयं जानकारी प्राप्त करें। मंदिर के बाहर का दृश्य और भी डरावना था। मंदिर प्रांगण के बाहर छोटी छोटी दुकानें लगी थी जहां गिफ्ट आइटम भी बिक रही थी और हमने थोड़ी राहत की सांस ली। वक्त संध्या के 7:30 हमारी यात्रा पूर्ण हो चुकी थी। हमने यहां से विदा लिया और नज़दीक के एक रेस्टोरेंट में डिनर के लिए रुका। यहां राजस्थान की प्रसिद्ध जायका दाल बाटी चूरमा का आनंद लिया। आइए देखते हैं यहाँ क्या है। ये तो बाटी है। अच्छा, और ये दाल है। फिर चूरमा अलग चीज है। चूरमा भी आ रहा है, अभी आ रहा है। चूरमा आ रहा है। ठीक, कैसे बनाते हैं इसको? रोटी बनाई ले तवा वाला, अति वाला, चुल्ही वाला। हां, गरम करारा कूट दे छे ओकरा, रोटी के कूट करके। हां, सिम भुने छे सर, जब सिम के ओकरा में पूरा साथ खाय छे। अच्छा, दाल बाटी चूरमा खाने के बाद हमने वापस दिल्ली के लिए प्रस्थान किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।